हाय गाइस, आई एम नीरज मेहता, वेलकम टू पेरिनियल। हम लोग आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो एक बार सबसे पहले हम लोग एक आइडिया लेते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं जो सिलेबस में हैं हमारे, जो हमें कंपेटिटिव एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ने हैं, और उसके बाद आगे हम लोग वन बाय वन इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखिए, इधर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं इरिगेशन के लिए। मैंने अपने सिलेबस को टोटल 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास वो है इंट्रोडक्शन एंड टेक्निक्स। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इरिगेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और टाइप के साथ साथ टेक्निक्स के बारे में। उसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। इन वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप में, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप के अंदर हम लोग पहले तो पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डेल्टा हो गया, डेल्टा के अलावा क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड। इसके बाद आगे आएगा ड्यूटीज़, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ड्यूटीज़ को अफेक्ट करते हैं, कितने टाइप्स की होती है ड्यूटीज़। टाइप्स के बाद हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज। टोटल इरीगेशन में टोटल हम पढ़ेंगे 5 से 6 टाइप की एफिशिएंसीज डिवाइडेड होती है। इनका रिलेशन क्या है सॉइल के साथ, सॉइल मॉइस्चर और प्लांट के साथ कौन कौन से रिलेशंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है सॉइल मॉइस्चर को कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है, क्वालिटीज़ क्या है इरिगेशन वाटर की, जो भी पानी हम इरिगेशन में यूज़ करने वाले हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है, सॉल्ट की लिमिटेशंस कितनी होनी चाहिए, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट आ गए डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स के अंदर सबसे पहले तो कैनाल्स कितने टाइप की होती हैं, कितने किस किस के बेसिस पे हम कैनाल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैनाल्स में लाइंड कैनाल्स और अनलाइंड कैनाल्स होती हैं। अनलाइंड कैनाल्स को डिज़ाइन करने वाला पार्ट है कैनेडीज थ्योरी और लेसी सिल्ट थ्योरी, और लाइंड कैनाल्स को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं डिज़ाइन ऑफ लाइंड कैनाल्स के बेसिस पे। एक इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे शील्ड्स थ्योरी, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिफाइन करने में हेल्प करती है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सीपेज और डाइवर्जन हेडवर्क। सबसे पहले तो डाइवर्जन हेडवर्क होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डाइवर्जन हेडवर्क के, इसके अलावा सीपेज से इनके फेलियर को, सीपेज फेलियर से बचाने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज एक्सप्लेन की गई है, वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, देखिए जो फिफ्थ पार्ट है कैनाल रेगुलेशन, क्रॉस ड्रेनेज और स्टोरेज हेडवर्क। ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हमें इसे ब्रीफ एलिमेंट्री आइडिया लेना है इसका, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कवर कर सकें। कैनाल रेगुलेशन में तो सबसे पहले आएगा कैनाल रेगुलेटर्स के बारे में, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर्स, इसके अलावा कैनाल फॉल्स भी इसी में आते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क में एक्वेडक्ट, साइफन एक्वेडक्ट, वो सब इसमें आएगा। स्टोरेज हेडवर्क्स इज रिलेटेड टू डैम्स, डैम्स एंड रिजर्वायर्स। इसके अलावा स्पिलवेज, कितने टाइप के स्पिलवेज होते हैं, डैम्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा फेलियर डैम्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, वो सब आता है हमारे पास स्टोरेज हेडवर्क के फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास वाटर लॉगिंग, कितने टाइप की होती है, वाटर लॉगिंग क्या होती है, कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो सकती है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लीचिंग एक्शन क्या होता है, लीचिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज इंट्रोडक्शन एंड टेक्निक्स के साथ, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और किस तरीके से हम इरिगेशन को डिवाइड करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन एंड टेक्निक्स, इसमें सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास इरिगेशन क्या होती है। देखिए, इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियली लैंड के ऊपर वाटर अप्लाई करते हैं। तो हम लोग सिंपली अगर इरिगेशन को डिफाइन करते हैं तो इरिगेशन सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर किया जाता है लैंड पे, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड। देखिए,
नॉर्मली क्या होता है, जो भी हमारे पास लैंड अवेलेबल है, इस लैंड पे प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, जो आर्टिफिशियली हम लोग अप्लाई करेंगे, इस पार्ट को नाम दिया जाएगा इरीगेशन। अब इरीगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, इरीगेशन के लिए मेनली इसकी इरीगेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, नॉर्मली जो भी हमारे पास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो रेनफॉल है वो रेनफॉल बहुत अनसर्टेन है, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, तो इसीलिए हमें एक स्पेशल टेक्निक्स, कुछ स्पेशल टेक्निक यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि इसकी वजह से, बारिश जो होती है उसकी वजह से प्लांट्स के ग्रोथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। जो खेती है वो खेती की ईल्ड जो है बेसिकली, या आप ये बोल सकते हो जो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सके, तो इसीलिए हम लोगों को इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इरिगेशन के बेसिस पे हम लोग अपने एरियाज को दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है मेरे पास, अगर हम लोग अपने इरिगेशन के हिसाब से एरियाज की बात करते हैं, तो एक है एरिड रीजन। इसके अलावा दूसरे टाइप का जो एरिया आएगा, दूसरे टाइप का एरिया आता है सेमी एरिड रीजन। एरिड रीजन से शुरुआत करते हैं, वो एरिया जहां पर पानी की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर इज रिक्वायर्ड हर टाइप की फसल के लिए। हर टाइप की फसल का यहाँ पे मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो भी क्रॉप्स की बात करते हैं, क्रॉप्स को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक होती है मेन क्रॉप्स और मेन क्रॉप्स के अलावा दूसरी होती है इन्फीरियर्स। मेन क्रॉप्स वो होती है ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम ग्रो कराना चाहते हैं, और इन्फीरियर्स वो पार्ट होता है जिन्हें हम ग्रो कराना नहीं चाहते, जो अपने आप खुद ब खुद ग्रो कर जाता है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी मेन क्रॉप्स और इन्फीरियर्स दोनों के लिए, उस एरिया को नाम दिया जाएगा एरिड रीजन। वो एरिया जहाँ पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आर्टिफिशियल वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ओनली फॉर मेन क्रॉप्स। इस एरिया में जितने भी इन्फीरियर्स हैं वो इन्फीरियर्स बिना पानी के ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि इसमें लैंड में थोड़ी बहुत नमी पहले से होगी, थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहले से होगा, लेकिन इस एरिया में लैंड में पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो हमें आर्टिफिशियल वाटर को अप्लाई करना होगा मेन क्रॉप के लिए भी और इसके साथ साथ इन्फीरियर्स के लिए भी। आगे हम बात करेंगे इरिगेशन के टाइप्स के बारे में। देखिए, इरिगेशन को मेनली दो पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला है सरफेस इरिगेशन, दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फ्लो इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, पेरेनियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन का एक दूसरा नाम भी होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनंडेशन इरिगेशन। लास्ट में पेरेनियल इरिगेशन फिर दो पार्ट्स में बांटी जाती है, डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन। इसी तरीके से सब सरफेस इरिगेशन भी दो पार्ट्स में बांटी जाती है, पहली है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन दूसरा है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। ये है टोटल टाइप्स ऑफ इरिगेशन बोल सकते हो, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन। अब हम लोग वन बाय वन इन सभी के बारे में बात करेंगे।
देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सरफेस इरिगेशन। देखिए, वो इरिगेशन जिसमें सरफेस वाटर को यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए, सरफेस वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। एक्चुअली यहाँ पे सरफेस वाटर का मतलब है जब हम लोग वाटर को अप्लाई करेंगे टू द सॉयल सरफेस। देखिए, यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्लांट की ग्रोथ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं और ये रूट सिस्टम हो गया प्लांट का, जब आपको वाटर को अप्लाई करना है, वाटर को हम अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल इसके रूट जोन के ऊपर, बिल्कुल इसके सिस्टम के ऊपर, सॉइल के सरफेस पे, तो इस टाइप के इरीगेशन को हम लोग नाम देते हैं सरफेस इरीगेशन। देखिए, सरफेस इरीगेशन में मोस्टली हम लोग अगर बात करते हैं, सरफेस इरिगेशन को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। देखिए, पहले बात करते हैं फ्लो इरिगेशन। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस हैं इन सभी टॉपिक्स के अंदर। अगर फ्लो इरिगेशन के बारे में बात करते हैं तो जैसे नाम से पता चल रहा है, जब पानी फ्लो करेगा, जब मेरे पास वाटर हायर लेवल पे अवेलेबल होगा, वाटर इज अवेलेबल एट हायर लेवल और पानी की रिक्वायरमेंट होगी लोअर लेवल पे। पानी हाई लेवल पे अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट है लोअर लेवल पे। तो इस तरीके से जो भी हम लोग अरेंजमेंट बना के पानी को ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में फ्लो कराना स्टार्ट करेंगे, उस इरिगेशन को नाम दिया जाएगा फ्लो इरिगेशन। तो यहाँ पे वाटर इज अवेलेबल एट हायर लेवल एंड वाटर इज रिक्वायर्ड एट लोअर लेवल। तो अब पानी की सप्लाई होगी कैसे ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में? वाटर इज सप्लाइड अंडर ग्रेविटी। तो इस इरिगेशन को नाम दिया जाता है फ्लो इरिगेशन। देखिए, फ्लो के बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इरिगेशन है मेरे पास लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन, अब लिफ्ट इरिगेशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट। जब मेरे पास पानी लोअर लेवल पे होगा, पानी तो लोअर लेवल पे अवेलेबल होगा, लेकिन अब की बार रिक्वायरमेंट अबव लेवल पे है। तो वाटर इज अवेलेबल एट लोअर लेवल एंड वाटर इज रिक्वायर्ड एट हायर लेवल। अब पानी को लो लेवल से हाई लेवल पे कैरी कराने के लिए कुछ आर्टिफिशियल मैकेनिकल प्रोसेस यूज करना होगा। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं वाटर इज सप्लाइड, वाटर इज सप्लाइड बाय आर्टिफिशियल मैकेनिकल प्रोसेस। तो इस टाइप की इरिगेशन को नाम दिया जाता है लिफ्ट इरिगेशन। आगे देखिए, लिफ्ट इरिगेशन के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे फिर हमने फ्लो इरिगेशन को फिर दो पार्ट्स में बांटा था। फ्लो इरिगेशन में अगर बात करते हैं तो एक इरिगेशन था मेरे पास पेरेनियल इरिगेशन। अब बात करते हैं पेरेनियल इरिगेशन क्या होता है। देखिए, पेरेनियल का एक्चुअल में मतलब होता है, ये जो वर्ड है पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। जब मेरे पास किसी भी एक कैनाल में,
किसी भी एक कैनाल में पानी हमेशा कांस्टेंट और कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम कांस्टेंट और कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ वाटर हर टाइम अवेलेबल होगा। तो उस टाइम पे जो भी इरिगेशन यूज़ होगी उस इरिगेशन को नाम दिया जाएगा पेरेनियल इरिगेशन। तो पेरेनियल इरिगेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो पेरेनियल को हम लोग बोलते हैं जब वाटर हमारे पास अवेलेबल होगा, वाटर सोर्स इज कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली अवेलेबल। और इसके साथ साथ जब पानी मेरे पास हर वक्त अवेलेबल है तो मैं इरिगेशन भी किसी भी टाइम पे कर सकता हूँ। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बोलते हैं वाटर कैन बी अप्लाइड टू लैंड एट एनी टाइम। तो इस कंडीशन में जो इरिगेशन बनेगी उस इरिगेशन को नाम दिया जाएगा पेरेनियल इरिगेशन। अब पेरेनियल इरिगेशन के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट इरिगेशन है मेरे पास फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन के साथ साथ इसी टर्म को हम लोग नाम देते हैं इनंडेशन इरिगेशन। देखो इनंडेशन जो वर्ड है, इस इनंडेशन वर्ड का मतलब है सैलाब। फ्लड तो जैसे हम जानते ही हैं बाढ़ से रिलेटेड है। तो अब मेरे पास इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था पेरेनियल, पेरेनियल में ये था कि रिवर के अंदर एक कांस्टेंट और कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर हर वक्त था। अब फ्लड इरिगेशन और इनंडेशन इरिगेशन में नॉर्मली हम लोग इस टाइप के इरिगेशन को परफॉर्म कराने के लिए इनंडेशन कैनाल्स का यूज़ करते हैं। जब सैलाब आएगा या जब बाढ़ आएगी तो पानी की एक्सेस क्वांटिटी को हम लोग किसी भी कैनाल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अब मेरे पास ये वाला जो इरिगेशन होगा, जो इनंडेशन इरिगेशन होगा, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होगा। जो भी पानी आएगा वो पानी मेरे पास एक लिमिटेड टाइम इंटरवल के लिए ही आएगा इनंडेशन इरिगेशन में। तो वाटर अगर फिक्स टाइम के लिए आएगा, वाटर इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम। अब लिमिटेड टाइम के लिए अगर पानी अवेलेबल है तो इस पानी को मुझे हर जगह पे इस तरीके से अपनी लैंड पे अप्लाई करना है कि आगे जब तक पानी दोबारा नहीं आता तब तक पानी की कमी ना हो। तो हम लोग हमारी कंप्लीट लैंड को, जितनी भी हमारी लैंड होगी, इसको अच्छे से पानी से सबमर्ज कर देंगे। लैंड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड विद वाटर। अब लैंड को जब पानी के अंदर अच्छे से मैंने सबमर्ज कंडीशन में लेके आ गया तो इसके वॉइड्स के अंदर जो भी हमारे पास लैंड थी, लैंड के वॉइड्स में पानी फिल हो जाएगा। जब प्लांट ग्रो करेंगे तो प्लांट उसी पानी को, जो वॉइड्स में पानी था उसी पानी को गेन करके ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइप के इरीगेशन को नाम दिया जाएगा फ्लड और इनंडेशन इरीगेशन। अब जो हमने अभी पढ़ा था पेरेनियल इरिगेशन, उस पेरेनियल इरिगेशन को फिर दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक है मेरे पास डायरेक्ट इरिगेशन और इसके अलावा अगर हम दूसरे पार्ट पे बात करते हैं तो दूसरा पार्ट है मेरे पास स्टोरेज इरिगेशन। देखिए डायरेक्ट से शुरुआत करेंगे पहले। वो इरिगेशन जिसमें मेरे पास पानी को डायरेक्टली अप्लाई किया जाएगा, मतलब एक कैनाल फ्लो कर रही है, इस कैनाल से मैंने पानी को डाइवर्ट करके, किसी भी डाइवर्टिंग स्ट्रक्चर को बना के पानी को सीधा लैंड पे अप्लाई कर दिया। जो भी लैंड थी, जहाँ भी वाटर को रिक्वायर्ड था प्लांट को ग्रो कराने के लिए, हमने सीधा पानी को वहीं पर अप्लाई कर दिया। तो उस इरीगेशन को नाम दिया जाएगा डायरेक्ट इरीगेशन। तो यहाँ पर वाटर इज अप्लाइड directly to the land by construction of water diverting structures, जिन्हें हम लोग बोलते हैं diversion headworks या फिर diversion structures।
देखिए, अगर इसको दोबारा से देखा जाए, दूसरे तरीके से अगर हम समझते हैं इसे, डायरेक्ट इरिगेशन को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक कैनाल इस तरीके से फ्लो कर रही थी। मुझे इस लैंड का वाटर को, इस वाटर को अप्लाई कराना है लैंड में, तो मैंने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले रिवर में जो हमारी कैनाल थी उस कैनाल के विड्थ वाइज एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक वियर या बैराज, एक सिंपल सी एक वॉल बना दी। ठीक, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक हमने एक सिंपल सी वॉल बना दी, और इनडायरेक्टली जो पानी आएगा वो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे हम क्या करेंगे, वहाँ से साइड में जहाँ भी मुझे वाटर अप्लाई करना है वहाँ से हम एक अरेंजमेंट बना देंगे और पानी को डायरेक्टली फील्ड में अप्लाई कर देंगे। उस टाइप के इरीगेशन को नाम दिया जाता है डायरेक्ट इरीगेशन। नेक्स्ट है मेरे पास स्टोरेज इरीगेशन। देखिए, यहाँ तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जब स्टोर्ड वाटर को हम लोग यूज़ करेंगे इरीगेशन में तो उसको हम लोग नाम देंगे स्टोरेज इरीगेशन। अब स्टोर्ड वाटर को नॉर्मली पानी को स्टोर कैसे करते हैं, पानी को हम लोग स्टोर करते हैं डैम्स बना के रिजर्वायर के अंदर। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा स्टोरेज हेडवर्क। तो वाटर इज स्टोर्ड इनिशियली, सबसे पहले हम पानी को स्टोर करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज वर्क्स। स्टोरेज वर्क्स का मतलब है यहां पर डैम्स और रिजर्वॉयर्स। और अब इस स्टोर्ड वाटर को, जो भी स्टोर्ड वाटर था, इस स्टोर्ड वाटर को हम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस इरीगेशंस। तो सरफेस इरीगेशंस के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस इनकी डेफिनेशन से ही रिलेटेड हैं, इसके अलावा इसमें से और कोई भी पॉसिबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बनता। अब सरफेस इरिगेशन के बाद आगे अब हम लोग बात करेंगे सब सरफेस इरिगेशन के बारे में। सब सरफेस इरिगेशन, देखिए इस इरिगेशन को अगर डिफाइन किया जाए तो सब सरफेस इरिगेशन एक ऐसी इरिगेशन है जिसमें हम लोग वाटर को अप्लाई तो करेंगे लैंड में, लेकिन पंप वाटर को जब भी अप्लाई किया जाएगा तो कभी भी इसके सरफेस पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, इसके रूट जोन से, कैपिलरी एक्शन से प्लांट पानी को गेन करेगा। देखो ये प्लांट ग्रो कर रहा था, रूट सिस्टम। अब किसी कारण से अगर वाटर के, जो भी वाटर का एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, जो भी वाटर प्लांट गेन करेंगे, वो पानी ये सरफेस वाटर गेन ना करके अगर इसके रूट सिस्टम से, कैपिलरी एक्शन से अगर पानी का ट्रांसमिशन एग्जिस्ट करता है तो इस टाइप के इरिगेशन को नाम दिया जाता है सब सरफेस इरिगेशन। अब देखिए, ये जो सब सरफेस इरिगेशन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन और दूसरा है मेरे पास आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन, देखिए सब सरफेस इरिगेशन की अगर डेफिनेशंस लिखी जाएं तो इसके हम लोग डेफिनेशन इसी तरीके से लिखेंगे, वाटर इज गेन्ड बाय प्लांट्स बाय कैपिलरी एक्शन। नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन में देखिए हम लोगों को कंसीडर करते हैं, हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे एक अनलाइंड कैनाल, एक ऐसी कैनाल जिसको नॉर्मली मैंने सॉइल के अंदर एक्सकेवेट कर दिया, ये सारे का सारा अपना नेचुरल सॉइल सरफेस है, इस पर मैंने कोई भी कंक्रीट का बेड, ब्रिक लाइनिंग कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है।
इस टाइप की लैंड को नाम दिया जाता है, इस टाइप की कैनाल्स को नाम दिया जाता है अनलाइंड कैनाल्स। तो अब नॉर्मली जितना भी पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा, मान लो अनलाइन कैनाल में पानी फ्लो कर रहा है, तो ये जो भी पानी होगा थोड़ा बहुत इसके अंदर सीपेज भी एग्जिस्ट करेगा। इस सीपेज की वजह से ये जितना पानी यहाँ से सीपेज लॉसेस के अंदर गया, अब यही पानी अगर आसपास में जो भी प्लांट ग्रो करते हैं, वो प्लांट अगर इसी पानी को गेन करना स्टार्ट करके खुद की ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें, तो इस टाइप के इरिगेशन को नाम दिया जाएगा नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। अनलाइंड कैनाल से सीपेज ऑफ वाटर एग्जिस्ट करेगा, ये सीपेज ऑफ वाटर प्लांट्स गेन करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, उनके रूट सिस्टम से कैपिलरी एक्शन से पानी का ट्रांसमिशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर नेचुरल सब सरफेस को डिफाइन किया जाए, तो हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें द सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम अनलाइंड कैनाल्स इज गेन बाय प्लांट्स यूजिंग कैपिलरी एक्शन। तो इस टाइप के इरिगेशन को नाम दिया जाता है नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल सबसरफेस की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल मींस मैन मेड। तो नॉर्मल हमारा ग्राउंड सरफेस ये था, अब ग्राउंड सरफेस में वाटर टेबल यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करती है, तो वाटर टेबल के डेप्थ ज़्यादा होने के कारण से कैपिलरी राइज ऑफ वाटर सॉइल के वॉइड्स में पानी कैपिलरी राइज तक एग्जिस्ट करता है। कैपिलरी राइज ऑफ वाटर बहुत नीचे है, तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ पार्ट को एक लेट डाउन किया, इसके सरफेस को कम कर दिया, आर्टिफिशियली डिचेस बना के ओपन डिचेस बना दिए। अब जो भी प्लांट्स गेन करेंगे यहाँ पे, जो भी प्लांट्स ग्रो करेंगे, वो प्लांट्स इसी पानी को गेन करने की कोशिश करके खुद ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो इस टाइप के इरिगेशन को नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो अगर मुझे आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन डिफाइन करना हो, तो इस इरिगेशन को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, इस सिस्टम ऑफ ओपन डिचेस एंड ड्रेन्स आर लेड डाउन बिलो द टॉप्स बिलो द नेचुरल सरफेस एंड वाटर इज gained by plants using capillary action. This type of irrigation is known as artificial subsurface irrigation. इसमें भी इन सभी के सभी पूरे के पूरे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, इरिगेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की इरिगेशन है, मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन, इन सब में से सिर्फ हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है, अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर जो भी क्वेश्चन आ सकता है, वो सिर्फ इनकी डेफिनेशन है। इसके अलावा यहाँ से और कोई भी पॉसिबल क्वेश्चन नहीं बनता। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। उन टेक्निक्स के अंदर फ्लडिंग टेक्निक आती है, फ्लडिंग के अलावा फ्यूरो टेक्निक है, डिचेस है, मेनली जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिन फ्लडिंग आती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में डील करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर अभी हमने जितना भी पढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन की गई हैं ये टर्म्स। जैसे ही ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी, यूनिट वाइज मैं इसके पूरे डिटेल्ड नोट्स अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट होगा, यूनिट वाइज यूनिट ही हम लोग इसे अपलोड करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।